ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में रहे पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा बीजेपी सांसद गौतम गंभीर एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल अब एक बार फिर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर उनके ही फैंस अब उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि एशिया कप 2023 के तहत जब भारत और नेपाल की टीमें मैदान में आमने सामने थी, इसी बीच बीजेपी सांसद और पूर्व ओपनर गौतम गंभीर भी क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद थे। इसी बीच जब वे कमेंट्री रूम की ओर जा रहे थे, तब गौतम गंभीर को देख दर्शकों ने कोहली कोहली के नारे लगाने लगे। इसके बाद गौतम गंभीर कुछ देर तो देखते रहे, लेकिन दर्शकों की ओर उंगली दिखाते हुए निकल गए। वहीं अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बीजेपी सांसद की इस अनैतिक क्रिया पर तंज कस रहे हैं। पत्रकार अभिषेक आनंद ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, ये बेहद शर्मनाक घटना है। गौतम गंभीर दिल्ली के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, क्रिकेटर भी हैं, लेकिन तमीज बिल्कुल नहीं है। जनता को इस तरह उंगली दिखा रहे हैं। जनता बस कोहली कोहली कह रही थी और गौतम गंभीर यहां तक उतर आए। पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा, ये गौतम गंभीर हैं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर हैं, पार्ट टाइम बीजेपी सांसद भी हैं। श्रीलंका में फैंस ने कोहली कोहली के नारे लगाए, गुस्साए गौतम गंभीर ने फैंस को मिडिल फिंगर दिखाई। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने इस पर कहा, गौतम गंभीर के ग्राउंड पहुंचते ही भीड़ कोहली कोहली चिल्लाने लगी, तभी गौतम गंभीर के कलेजे में आग लग गई, लगे पब्लिक को उंगली दिखाने। ये सांसद हैं और इनका संस्कार देखिए। गंभीर, आप जिस पब्लिक को उंगली दिखा रहे हैं, उसी पब्लिक ने आपको सांसद बनाया है। फिलहाल दोस्तों, आप बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर के इस अनैतिक क्रिया को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। और ज़्यादा ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए टारगेट न्यूज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।